क्या शिव जी को मिले इस श्राप के कारण कटा था गणेश जी का मस्तक। नमस्कार, मार्तंड ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। मैं हूँ मनीषा श्री। श्री गणेश का जन्म भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को दोपहर 12 बजे हुआ था। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार इस बार 10 सितंबर 2023 को गणेश चतुर्थी का व्रत रखा जाएगा। आइए जानते हैं गणेश जी के मस्तक की कथा। शनि की दृष्टि से कटा था गणेश जी का मस्तक। एक कथा के अनुसार शनि की दृष्टि पड़ने से शिशु गणेश का सिर जलकर भस्म हो गया। इस पर दुखी पार्वती से ब्रह्मा ने कहा, जिसका सिर सर्वप्रथम मिले उसके सिर को गणेश के सिर पर लगा दो। पहला सिर हाथी के बच्चे का ही मिला। इस प्रकार गणेश जी गजानन बन गए। शिव जी ने काटा था मस्तक, ऐसी दूसरी कथा के अनुसार हम अक्सर सुनते हैं। दूसरी कथा के अनुसार गणेश जी को द्वार पर बिठाकर पार्वती जी स्नान करने लगी। इतने में शिव जी आए और पार्वती के भवन में प्रवेश करने लगे। गणेश जी ने जब उन्हें रोका तो क्रुद्ध हो शिव जी ने उनका सर काट दिया। इस प्रकार गणेश जी की उत्पत्ति पार्वती जी ने चंदन के मिश्रण से की थी। जब पार्वती जी ने देखा कि उनके बेटे का सिर काट दिया गया तो वे क्रोधित हो उठी। उनके क्रोध को शांत करने के लिए भगवान शिव ने आदेश दिया और हाथी के बच्चे का सिर लाया गया और उसे गणेश जी के धड़ से जोड़ दिया गया और वह बच्चा जीवित हो उठा। शिव जी को मिले श्राप के चलते कटा था गणेश जी का मस्तक। एक पौराणिक कथा ऐसी भी है जिसमें यह विवेचना की गई है कि शिव जी को एक श्राप मिला था जिसकी वजह से गणेश जी का मस्तक कटा। भगवान श्री गणेश के सिर कटने की घटना के पीछे भी एक प्रमुख किस्सा है। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार एक बार किसी कारणवश भगवान शिव ने क्रोध में आकर सूर्य पर त्रिशूल से प्रहार कर दिया था। इस प्रहार से सूर्यदेव चेतनाहीन हो गए। सूर्य के पिता कश्यप ने जब यह देखा तो उन्हें क्रोध आया और उन्होंने शिव जी को श्राप दिया कि जिस प्रकार तुम्हारे त्रिशूल से मेरे पुत्र का शरीर नष्ट हुआ है, उसी प्रकार तुम्हारे पुत्र का मस्तक भी कट जाएगा। इसी श्राप के फलस्वरूप भगवान श्री गणेश के मस्तक कटने की घटना घटित हुई। बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही धार्मिक और धर्म ग्रंथों से जुड़ी हुई कथाओं का श्रवण करने के लिए, इनके महत्व को जानने सुनने और समझने के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने बहुमूल्य कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। हमें फॉलो करते रहें। धन्यवाद।